एक सज्जन जो है यहाँ की कंपनी में डायरेक्टर है, वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो वो एक जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसमें आते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, और क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है इसलिए पूरी फैक्ट्री को सर्विलेंस में रख दिया गया है। और वो सज्जन अस्पताल में भर्ती हैं दिल्ली में ही, और अभी वो सर्विलेंस किया जा रहा है, सैनिटाइज की जा रही है पूरी फैक्ट्री। टोटल कितने वर्कर्स हैं उस कंपनी के अंदर? 707। क्या नोएडा से कुछ है इसमें रिलेटेड, या ये क्योंकि फैक्ट्री नोएडा में है तो नोएडा से रिलेटेड है, और यहाँ पे सारे लोग उनके कॉन्टैक्ट हैं, उनको सर्विलेंस पे रख दिया गया है। सर, इस तरह की कितनी कंपनियां और हैं नोएडा के अंदर जो लोग बाहर से और आना जाना करते हैं? सबको बता दिया गया है, इसी तरीके से ये भी पता लगा, और सारे लोगों को बता दिया गया है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, डू एंड डोंट्स भी बता दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई, एडवाइजरी जारी की हुई है, सबको सब पता है। सब जो मेडिकल स्टोर सैनिटाइजर और मास्क जो लोगों को अपने आप नहीं खरीदना चाहिए भाई। नहीं सर, अब जो सर अब तो मजबूरी जब समय समय से पहुंच गया इस चीज के लिए कि सैनिटाइजर और मास्क का यूज कीजिए। नहीं नहीं वो दिल्ली में रहते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टर थे, आते जाते थे, इसलिए सब किया।